वेलकम टू मेडिसिन बाय चिप्स। आज हम स्टडी करेंगे लेटरल वेंट्रिकल हॉर्न, ठीक है, आपको थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल एंड जो फोरामेंस वगैरह इनको आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अवर मॉडल, यहाँ से इसको हम डिटैच करते हैं। दिस इज द मॉडल मेन, ठीक है, ये देखिए। अब हमारे पास हमने देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज दी लेटर वेंट्रिकल, ठीक है। अब लेटर वेंट्रिकल जो इनसे ना, वो जो आपने रैंच वगैरह देखे होंगे, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर नहीं, रैंच वगैरह, ठीक है, तो वो इस तरह ही होता है, ठीक है। तो अब आपके ये इसके डिफरेंट हॉर्न्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास उनसे ये वाला ना, ये हमारे पास कौन सा बनता है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड नहीं, लेटरल वेंट्रिकल। ये हमारे पास क्या बनेगा, इन्फीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। ये हमारे पास बनेगा पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। ये हमारे पास है बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। अब जो ये फोर डिफरेंट पॉइंट्स हैं ना, ये फोर डिफरेंट ब्रेन के जॉनसन लोब्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास होता है ना एंटीरियर हॉर्न, ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पास होता है फ्रंटल में, तो इसको हम फ्रंटल हॉर्न भी कह सकते हैं। फ्रंटल बोन के अंदर, वो फ्रंटल ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है ना, पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, फ्रंटल हॉर्न और एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इससे हम कह सकते हैं इन्फीरियर और टेम्पोरल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा बॉडी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी लेटरल वेंट्रिकल, बॉडी ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल और द पैरेटल हॉर्न, ओके, पोस्टीरियर हॉर्न और द ऑक्सीपिटल हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। सो ऑक्सीपिटल हॉर्न, टेम्पोरल, पैरेटल एंड फ्रंटल हॉर्न्स ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। मैं लेटरल वेंट्रिकल को स्पाइनल कॉर्ड के साथ थोड़ा फ्यूज कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। सो आपने ये लेटरल वेंट्रिकल ही वो है सारा, उसका इंटीरियर और फ्रंटल, पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटल, इन्फीरियर और टेम्पोरल और बॉडी और पैरेटल, ठीक है। इसके चार भी आपने पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से दूसरे सेक्शन पर, ठीक हो गया। सो अब जो हम हमारे पास आपको पता है जो लेटरल हॉर्न होते हैं ना, वो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर फ्रेमिना, ठीक है, या फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू कनेक्ट होते हैं थर्ड वेंट्रिकल के साथ, ठीक हो गया। ये थर्ड वेंट्रिकल है ना, तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर पॉइंट लगा जाता है, तो आप इसे क्या कहेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और ऑल्सो कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। अब जो ये स्पेस है ना, या आपको पता है इंटर थैलेमिक ढही, हमने पिछले सर्जिकल सेक्शन और डिफरेंट वीडियोस में स्टडी भी किया था, प्रीवियस वीडियोस में, ये जो इंटर थैलेमिक ढही है, दो थैलेमस आपस में कनेक्ट होते हैं उसके थ्रू, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया इसमें क्या है, ये देखें कि थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल आगे जाके कनेक्ट हो रहे हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू, दिस इज द सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। देखें ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, साइबर एक्विडक्ट के थ्रू उसने कनेक्ट होना है हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, ठीक है। तो साइबर एक्विडक्ट आ गई, अब फोर्थ वेंट्रिकल ये वाला, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल के पता ना आपको शेप इस तरह से होती है, ठीक है, डायमंड। तो अब हमारे पास आ गया इसके जो दो लेटरल मासेज हैं, लेटरल मासेज ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल ये वाला, ठीक है। लेटरल मासेज को हम क्या ऑल्सो कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ लश्के, ठीक है, फोरामेन ऑफ लश्के, लेटरल मासेज, ठीक है। अब हमारे पास ये जो था ना, ये वाला फोरामेन ऑफ मंजंडी, ठीक है, फोरामेन ऑफ मंजंडी, ठीक है। तो फोरामेन ऑफ लश्के, फोरामेन ऑफ मंजंडी, ठीक है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, थर्ड वेंट्रिकल, इंटरथैलेमिक ढाइयन, बाकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सो आई विल आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट स्पॉट्स, सो यू विल टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेरिब्रल एक्विडक्ट, ओके। इससे नीचे ये जो नीचे के जाके वो स्टार्ट हो जाता है ना, स्पाइनल कॉर्ड सारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज, पोस्टीरियर हॉर्न और ऑक्सीपिटल हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। व्हाट आर दिस पॉइंट्स कॉल्ड एज, फोरामेन ऑफ लश्के। सो व्हाट आर दिस पॉइंट्स कॉल्ड एज, दिस पॉइंट्स फोरामेन ऑफ मोनरो और इंटरवेंट्रिकुलर फोराम। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन मॉडल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अस ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो।
एंड शेयर अवर वीडियो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.